हमारा प्लान बन रहा है द फैट फिश रेस्टोरेंट जाने का। सो गाइस अभी हम जाएंगे, मिस्टर भामरा बताएंगे कैसे कैसे जाना है, कहाँ जा रहे हैं बताइए। देखो मेरे को सही बताऊँ तो नहीं पता कैसे कैसे जाना है, बट ये है कि हम पहुँच के आपको सब कुछ दिखाएंगे। और रेस्टोरेंट का नाम है हिंदी में बोलते हैं मोटी मछली, बाकी वहाँ जाके देखेंगे कितनी बड़ी मोटी मछली। गाइस हम फैट फिश पहुंच चुके हैं, अभी अंदर जाएंगे। अभी इनका जो रेस्टोरेंट है आई थिंक दैट ओपन्स अराउंड 12 o'clock, 12 बजे के आसपास खुलता है, तो उसके बाद ही आना अगर आप आते हैं। तो ये यहाँ पे इनका बोर्ड लगा हुआ है, कैलंगट इस साइड है, बागा बीच इस साइड है। अंदर पहुंचते हैं फिर कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर बताते हैं खाना खा के कैसा खाना बना है। यहाँ पे इनकी पार्किंग है, इनका सारा सेटिंग एरिया है। सनी एंड सनी भामरा पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अभी बस ऑर्डर कर रहे हैं। कम से कम खाना ऑर्डर करने के बाद 1 घंटा लगता है जैसा कि मुझे पता लगा है। हेलो, बिकॉज ये खाना बनाते हैं बहुत ही प्यार से आराम से, पर खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। अच्छा यार, दिखने में भी अच्छा रेस्टोरेंट। तो भाई ये फैट फिश है, मोटी मछली, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये इनका मेन्यू है रेस्टोरेंट बार का, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आई होप यू कैन सी दैट। हाँ, सो दिस इज व्हाट वी ऑर्डर्ड, चिकन कैफ्रियल। चिकन कैफ्रियल राइट, तो ये आया है, इसमें ग्रीन है, आई थिंक साग वाग लग रहा है, जैसे धनिया है। ओके ऐसा जैसे पालक या फिर साग डाला हुआ है। हमने फुल प्लेट ऑर्डर किया था, इसमें 8 pieces आते हैं। ठीक है, अच्छी ऑर्डर। हाँ, अच्छी क्वांटिटी है। टेस्ट करते देखें कैसा है, थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ स्पून। भाई वर्थ तो है, वाओ, टेंगी हल्का सा खट्टा है, थोड़ा खट्टा है। ये चिकन लग रहा है जैसे आप चिकन खा रहे हैं हर्ब्स के साथ, बहुत ही प्यारा फ्लेवर है ना, फेमस तो वो है ना चिकन। रेकमेंडेड है, मैं कहूँगा रेकमेंडेड है, आप इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। फैट फिश बहुत ही प्यारा खाना यार, बहुत ही प्यारा है। रेस्टोरेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है, लग रहा है जैसे घर में बनाया गया है, ऐसा फीलिंग है। कोई ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही प्यारा फ्लेवर है। तो भाई ये हमारा चिकन स्टेक आ गया, राइट, चिकन स्टेक ना हमारा। भाई खा के बताओ कैसा है। Sure. अच्छा हुआ तभी तारीफ करना, मत करना। सही बताऊं तो चिकन काली मिर्च जैसे खाया हुआ था ना, वैसा टेस्ट है ग्रेवी टाइप में, बट पीस में मैंने खाया नहीं अभी तक, खा के देखते हैं। हाँ प्लीज, यहाँ बैक टू बैक बियर्स आ रही है। चिकन स्टेक कैसा है? अभी मैंने एक पीस लिया है चिकन का, जिसमें कि मतलब पूरा जूसी है, पूरा काली मिर्च का टेस्ट है, अ काइंड ऑफ अ दही ग्रेवी, एंड यू कैन से इट्स ऑल गुड नाउ। रेकमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते? डेफिनेटली, बट इट्स गुड फॉर द स्टार्टर्स, नॉट फॉर द मेन कोर्स, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ओके, सो दिस इज गुड फॉर स्टार्टर्स, नॉट फॉर द मेन कोर्स। जैसे कि मैंने इसको रेकमेंड किया दिस चिकन, वैसे रेकमेंड करने वाला है? यस डेफिनेटली इट इज गुड टू गो फॉर वन। सो जब भी आप फैट फिश आए तो चिकन स्टेक यू मस्ट ऑर्डर, बट मेक श्योर जब भी आप ऑर्डर करते हैं इनको बोल देना ड्राई ना हो, ड्राई नहीं होना चाहिए, ड्राई बहुत बुरा लगता है। रिव्यू ऑफ दिस फैट फिश रेस्टोरेंट, भाई मजाक नहीं ना, वो खाना बहुत ही डिलीशियस था, इट वॉज फन,
मैं आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ पे आए, खाना खाएं, बहुत ही मज़ा आया, मैं तो बहुत खुश हूँ, हैप्पी टमी, इट वॉज ऑसम गाइस, बहुत मज़ा आया भाई। फैट फिश पकड़े हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है दोबारा से, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, मज़ा आ रहा है। पी चुके हैं और अभी मज़ा नहीं आएगा तो फिर क्या ही फायदा सैंडी भाई, सैंडी द रोडवेज। मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, भाई ने पी है 3 बियर। आप पास देखो कैसे पेड़ों की आवाज़ आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है गाइस। हम यहाँ से निकले हैं फैट फिश रेस्टोरेंट से भी लंच करके, और देखो आप कितनी बारिश हो रही है गाइस। तो हमने लंच कर लिया है, हम फैट फिश से आ गए हैं, अभी हमने सिंक होटल है यहाँ पे, सिंक रिसोर्ट, वहाँ पे बस चेक इन कर रहे हैं, अभी आईडीज वगैरह दे रहे हैं, बाकी रूम्स आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे हम उधर जाएंगे आपको रूम्स दिखाएंगे। तो सिंक होटल में भैया लेके आए हमारे वेलकम ड्रिंक, भैया ये कौन सा ड्रिंक है? कोकुम। कोकुम, ओके ओके, ये गोवा का है कोकुम। भाई मैंने पहले ही पिया है कोकुम, इट्स वेरी वेरी डिलीशियस, हल्का सा, कैसे एक्सप्लेन करूं, कोकम नाम है इसका, आप खुद ही ट्राई करना कैसा है। हाँ थोड़ा सा पुदीने का टेस्ट है, हाँ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, बट थोड़ा सा हल्का सा खट्टा है, जैसे कैरेट जूस को थोड़ा डाइल्यूट कर दो वैसा है, विद टैंगी नहीं। कोकम है, आप गूगल पर सर्च कर सकते। तो सिंक होटल का ये है स्विमिंग पूल एरिया, वहाँ पर बार है इनका, अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं और आपको रूम भी दिखाते हैं कैसा है, सिंक रिजॉर्ट इन कैलंगट, एक्चुअली इट्स अ सिंक बीच रिजॉर्ट। बारिश हो रही है, इट्स ओके भैया, इट्स ओके, थैंक यू। तो बारिश नहीं था 10 दिन से, नहीं था तो हमारी किस्मत में बारिश थी, वी आर लकी, मजा आ रहा बारिश में। दिस वन इज आवर रूम P12। और दूसरा ये हमारा रूम है भाई, ये रूम हमारा, ये बेड है, एंड दिस इज आवर वॉशरूम, आई विल शो यू द वॉशरूम एज वेल, नॉट बैड। चेंज चार्ज कर लो सनी, इसका प्राइस कितना रूम का? विदाउट ब्रेकफास्ट 3200 रुपीज, विद ब्रेकफास्ट एक्स्ट्रा होता है, ये बालकनी छोटी सी, यहाँ पे एक सोफा समथिंग कुछ बना रखा है सिटिंग एरिया, और यहाँ से आपको व्यू मिलता है, स्विमिंग पूल वहाँ पे है, इनका रेस्टोरेंट बार वहाँ पर है जहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा होटल है, रिजॉर्ट है, बहुत बढ़िया नो डाउट, यहाँ पर मतलब यहाँ से बीच एक्सेस जो है वो विद इन 100 मीटर्स है, आप यहाँ से वॉक करके जा सकते हैं, मैं पहले इसके साथ वाले होटल में रहा था, तो यहाँ से आप वॉक करके जा सकते हैं, जो रोड दिख रहा है आपको, यहाँ से लेफ्ट पे जाके आपको सीधे जाके विद इन 100 मीटर्स आपको ओशन एक्सेस मिल जाएगा, आप यहाँ पे समुंदर किनारे जा सकते हैं, पास में ही यहाँ से, वो अच्छी बात है कि आप वॉक करके जा सकते हैं, आपको गाड़ी नहीं चाहिए, स्कूटी नहीं चाहिए। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, बहुत देर सोने के बाद हमें पता नहीं लगा कब हम सोए कब हमने शराब पी, अभी तक हमने गोवा कुछ देखा नहीं, अब देखेंगे। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्विमिंग पूल सो दैट वी कैन टेक अ स्विम, एंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, बोलो चेक कर, आओ चेक करो, जल्दी चलो। तो अभी शाम के 5:30 हो गए हैं, दिस इज आवर फर्स्ट डे, तो आज हम जा रहे हैं अभी स्विमिंग पूल में, सोकर उठे, एक घंटा हमने पावर नैप ले लिया, तो हमने सोचा नहा लें, उसके बाद बाहर निकलेंगे, बाहर की वीडियो बाद में बनाएंगे, सो अभी हम यहाँ पे नहाएंगे एंड एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। Thank you.
कर कर जा पानी के अंदर। उल्टा तैरने की कोशिश करेंगे अब। रेगुलर स्विमिंग नहीं करते थक जाते हैं भाई। गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा पानी के अंदर GoPro 9 को ले जाकर, GoPro 10 सॉरी इसकी बेइज्जती। GoPro 10 आई मैं जा रहा हूं। रिलैक्सिंग बॉयज, रिलैक्सिंग बॉयज यहां पर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं वो। उनका रिलैक्स खत्म करना जा रहा हूं। कोई कभी नहीं मेरा रिलैक्स। अब हेलो गाइस, हेलो गाइस, रिलैक्स तुम करा लो। हेलो गाइस, मौज करो। सैंडी रोडवेज। रोडवेज नहीं है वो, नॉनवेज। सैंडी नॉनवेज, सैंडी नॉनवेज हमारे साथ हैं। बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, आज हम मिले हैं। जैसन नी बाबरा है हमारे हिप हॉपर ब्रो मुंडे। चेक कर। चलो गाइस, चलो गाइस अब बियर पीते हैं। ब्राउन मुंडे भाई क्या ऑर्डर करना है? एक हैनी कैन थोड़ी चाय दो। ऐसे नहीं, ये अंडर वाटर जाके हम डिसाइड करेंगे क्या ऑर्डर करना है। तो गाइस चलो नीचे, चलो डिसाइड कर लिया। दो हैनी कैन। हाँ नहीं सारे नहीं आ रहे ना, इसलिए हाथ वाला होना। आज इनके 1 मिलियन सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं तो हम पार्टी करने आए हैं यहाँ पर। 1 मिलियन, आई विश 1 मिलियन हो जाए, अभी नहीं हुए हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइब हो चुके हैं गाइस। आज इस खुशी में बहुत ही जोर से पार्टी चल रही है यहाँ पर। वो हमें कह रहे सैंडी रोडर्स के 1 मिलियन सब्सक्राइब हो चुके हैं, इस खुशी में पार्टी चल रही है। चल रही है। ऑलराइट गाइस, तो अभी शाम के बज गए हैं 6:37। तो अभी हम जा रहे हैं कैलंगट, कुछ शॉप एक्सप्लोर करेंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बागा बीच, एंड उसके बाद हम जाएंगे हैमर्स विच इज़ अ क्लब। क्लब में दिखाते हैं आपको कितना प्राइस है, एंट्री प्राइस क्या है, स्टैग एंट्रीज है या कपल्स एंट्रीज है, क्या टाइमिंग्स है। तो बने रहिए व्लॉग में, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको आज। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।